पशुपालन एंड डेयरी विभाग हरियाणा द्वारा 32वें चरण का मोखुर और गलगट्टू टीकाकरण का अभियान चलाया गया है। सरसा में इस चरण की जो वैक्सीन है 4,62,000 खुराकें हैं प्राप्त हो चुकी है और क्रमवार प्रतिदिन जो सरसा के जितने भी पशु हैं गौ पशु और भैंस प्रजाति के पशु सभी को यह टीकाकरण किया जाएगा। इस टीकाकरण को करते हुए जो 4 माह से कम उम्र के पशु है उनका टीकाकरण नहीं किया जाएगा और 7 माह से ऊपर जो ज्ञापन पशु है उनका टीकाकरण नहीं किया जाएगा। टीकाकरण के दौरान हमारी जो पशु चिकित्सकों की टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पशु के टीकाकरण नई सुई से किया जाए तथा टीकाकरण के उपरांत जो सुई है और सिरंज को उस घर में ना फेंक कर पशु अस्पताल में एकत्रित कर बायोमेडिकल वेस्ट की पत्ती द्वारा उसका निस्तारण किया जाए। इस टीकाकरण से पशुओं में एक तो मुंह खुर की बीमारी नहीं आती और दूसरा गलगुट्टू की बीमारी नहीं आती। जो हरियाणा में टीकाकरण है ये ड्यूल वैक्सीन से किया जाता है जो कि भारत में सिर्फ हरियाणा में प्रयोग किया गया था जो कि सफल रहा है और आशा है कि इस सफल को अन्य प्रांतों में भी भारत सरकार द्वारा दोहराया जाए। इस टीकाकरण से पशुओं में बीमारी नहीं आएगी, मुंह खुर और गलगट्टू न होने से पशु अपने स्वस्थ रहेंगे, बीमारी नहीं आने से उसका आर्थिक जो है वो भी उसका बढ़ता है। जो मुंह खुर की बीमारी है इसमें मुंह में और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ने से पशु चारा पीना कम कर देता है, उसमें बुखार भी आ जाता है और पैरों में छाले पड़ने से पशु लंगड़ा कर चलता है। और जो गलगट्टू की बीमारी में जैसा कि नाम ही बताता है गलगट्टू गल का घुटना, उसमें गले के ऊपर सोजिश आ जाती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें भी बुखार आता है। बिल्कुल जब भी कोई टीकाकरण किया जाता है तो उसमें पशु में कई बार बुखार आ जाता है, जब भी बुखार आएगा तो पशु चरना कम कर दे, जब पशु कम चरेगा तो उसका उत्पादन भी स्वाभाविक तौर पर कम आएगा। ऐसा नहीं कि ये सभी पशुओं में होते हैं, कुछ पशुओं में ऐसा होता है जिस पशु में बुखार आ जाए तो पशुपालक को चाहिए कि पशु चिकित्सक के परामर्श से वो बुखार उतारने वाली दवा का उपयोग करें जिससे कि बुखार नहीं आएगा और उत्पादन भी कम नहीं होगा। सरसा के सभी पशुपालकों से अपील करना चाहूँगा कि जब भी पशुपालन विभाग की टीम आपके घर द्वार पर आए तो निसंकोच सभी पशुओं का 4 माह से कम पशु और 7 माह से ऊपर ज्ञापन पशुओं को छोड़कर गौ जाति व भैंस प्रजाति के सभी पशुओं का टीकाकरण करवाएं और टीकाकरण करवाते हुए विशेष ध्यान रखें कि क्या टीम टीके को एक वैक्सीन कैरियर जिसमें भी 2 से 8 डिग्री तक टेम्परेचर में लाया जाता है उस वैक्सीन कैरियर में लाया गया है तथा हर पशु पर नई सुई का प्रयोग किया गया है। आज हमारे विभाग पशुपालन डेयरी विभाग ने हरियाणा की तरफ से पशुओं के अंदर मुंह खुर व गलगट्टू के टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत ही पशुपालन विभाग सिरसा की तरफ से हमारी कालांवाली की राजकीय पशु चिकित्सालय की टीम ने आज महादेव नंदीशाला के अंदर सभी गोवंश का टीकाकरण का अभियान शुरू किया है। 264 के करीब करीब वैक्सीन लगा चुके हैं अभी तक और आज शाम को और कल भी हम इस नंदीशाला के अंदर टीकाकरण का अभियान चालू रखेंगे और इस चिकित्सालय के अंतर्गत 9 गांव आते हैं और हर गांव हर घर घर के अंदर हमारी टीम पशुपालकों के घर जाएगी और इस वैक्सीन को पशुओं के अंदर लगाना का काम जारी रखेगी। और आपके चैनल से मेरी पशुपालकों को अपील है कि अपने हर पशु को ये टीकाकरण अवश्य कराएं क्योंकि बरसात के मौसम के बाद में इनमें गलगट्टू व बरसात सर्दियों के दिनों में मुँह खुर के लक्षण पशुओं में आ जाते हैं और इस बीमारी जो मुँह खुर की बीमारी है पशुओं के मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, लार आने लग जाती है, झाग सी आने लग जाती है, ज्ञापन पशु ज्ञाप भी करा देता है, तेज़ बुखार रहने लग जाता है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है, गलगट्टू के अंदर गला सूज जाता है, तेज़ बुखार आ जाता है, पशु के मरने के भी ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे पशुपालकों से निवेदन है कि अपने हर पशु के अंदर ये वैक्सीन जो ये टीकाकरण सरकार की तरफ से चलाया गया ये अपना सुनिश्चित करें कि ये जरूर लगवाएं। और कुछ पशुपालकों के मन में एक धारणा रहती है कि इस टीकाकरण के बाद थोड़ा सा दूध का उत्पादन कम हो जाता है, तो ये जो दूध का उत्पादन है ये स्थायी तरीके से नहीं कम होता,
2-3 दिन के लिए अगर कम भी होता है तो अच्छी खुराक देकर, खनिज मिश्रण देकर, गुड़ का पानी पिलाकर, अगर लिफ 52 के गोलस देकर, इस चीज़ को 2-3 दिन के अंदर दूध उस पुनः उसी चीज़ उसी मात्रा